आज आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग हालातों से लड़ना नहीं जानते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? लड़ो, भागो मत, महाभारत चलो, लड़ो लड़ो हालातों से। आज लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जरा सा संकट आया, टेंशन आई, कष्ट हुआ, नुकसान हुआ, मर गए। तुमने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, पर हालातों से लड़ना ना सिखाओगे तो ये सब फेल है। और सुनो, हालातों से लड़ना पड़ेगा। आप अपने जीवन में जैसे ही आगे कदम रखेंगे, कदम कदम पर हालातों से लड़ना पड़ता है। आप व्यापार कीजिए, क्या सहज में व्यापार हो जाएगा? लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी हैं, लड़ना पड़ता है। हाँ या ना? जीवन का नाम संघर्ष है। संघर्ष क्या है? हालातों से लड़ना। गरीबी क्या है? हालात। बिगड़ा हुआ समय क्या है? हालात। लड़ो, व्यक्ति से लड़ना जरूरी नहीं है, कई बार समय से लड़ना पड़ता है। कई बार बोलो, किससे लड़ना है? जरूरी नहीं है कि हम आपसे लड़ें, आप हमसे क्यों लड़ेंगे? समय, समय से लड़ना पड़ता है, हालातों से जूझना पड़ता है। अचानक कुत्ता आप पे हमला कर दे तो क्या उस कुत्ते से लड़ना नहीं पड़ेगा? शेर आप पे आक्रमण कर दे तो वो डायरेक्ट आपको मार दे? ना भाई, थोड़ा तो लड़ो, थोड़ा तो हाथ पांव चलाओ। शेर तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा और आप डर गए, उसने तुम्हें खा लिया। यमराज भगवान पूछेंगे, क्यों, कैसे मरे? अरे वो शेर खा गया हमें। भगवान बोले, जब शेर आया तो तुमने बचने का प्रयास किया? नहीं, वो शेर बलवान। अरे बलवान था तो क्या हुआ? जितनी तुम्हारी ताकत थी उतनी तो लगाते, लड़ते, दो मिनट तो बचते। हो सकता है तुम्हारे उस बल से वो भाग जाता, कायरों की तरह मर गए। काहे मर गए कायरों की तरह? लड़े क्यों नहीं? क्यों मेरी मां सही है? ये बच्चों को ना मजबूत बनाओ, फौलादी बनाओ, सुकुमार ना बना देना। हर हालात से, हर हाल से लड़ें। श्री कृष्ण ने लड़ना सिखाया है अर्जुन को। लड़ो, तो कर्म कर, व्यक्ति से नहीं लड़ना। बेवजह मार, लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी गाल में थप्पड़ मार देना, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके गाल में थप्पड़ मार दें। लड़ने का मतलब ये है समय से लड़ना। गलत समय सामने खड़ा है, दो दो रोटी के लाले पड़े हैं, उस समय से लड़ना है, उस समय में धैर्य रखना, मजबूत बनाना उस समय अपने आप को। ये वक्त अभी गुजर जाएगा। भगवान गदा रखते हैं, शंख चक्र गदा। देखो, शंख चक्र गदा, वाह। और तुम क्या रखते हो? हमारी माताएं बैग में लिपस्टिक रखती हैं। थोड़ा छूटी कि किनारे गई, अपना शीशा देखा,
परफेक्ट यूं आगे, लिपस्टिक ना छूटने पावे। झांसी की रानी अपने पास तलवार रखती थी, क्यों? और तुम? इसलिए भगवान को आना पड़ा धर्म की स्थापना करने। जब लोग भटक जाते हैं, अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते, जब गीदड़ों के खदेड़ने से शेर भागने लगता है, तो किसी को आकर बताना पड़ता है, शेर क्यों भाग रहा है? तेरे पीछे गीदड़ पड़े हैं, जरा पलट कर हुंकार तो भर, ये भाग जाएंगे। जब भारत ने अपनी हुंकार भरी तो अंग्रेज भाग गए कि नहीं? और जब तक भागते रहे तो भगाते रहे अंग्रेज, तुम्हारे ऊपर शासन करते रहो, तुमने जरा पलट कर खड़े हो गए। 15 अगस्त था, भाग गए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर अच्छा, कुत्ते के साथ में ऐसे ही है, यदि कुत्ता आपको देखकर भौंका और आप भागे तो वो पीछे लग जाएगा, और कुत्ते की तरफ जरा आप भागे तो कुत्ता भाग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? हालात कुत्ते की तरह होते हैं। हालात, बोलो, हालात, हालात कुत्ते की तरह होते हैं। यदि हालात ने आपको डराया और आप भागे तो वो हालात आपके हाल बिगाड़ देंगे, और यदि उन हालातों में आपने अपने संयम को, धैर्य को बनाए रखा और उस हालात के सामने डट कर खड़े रहे, तो वो बिगड़ा हुआ समय जल्दी बन जाएगा। हालात वो आना, वो संकट, वो समय टल जाएगा। हालात समझते हो ना आप लोग? क्यों भैया? विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति को हालात कहते हैं। हालात ठीक नहीं है, मतलब हालचाल ठीक नहीं है, तो लड़ना है। ये हालात कुत्तों की तरह है, आप भागे तो आपको भगाएंगे, और आपने खड़े होकर सामना किया तो ये भाग जाएंगे। अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हर हालात से वो लड़ सके, कमजोर ना पड़ जाए कहीं। हमारे भगवान, हमारे कन्हैया कितने जन्म हुआ जेल में, भगवान। आप लोग रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े संकट में है। अरे तुम क्या संकट में हो? संकट में तो हमारे कन्हैया थे, जन्म हुआ जेल में, माता पिता बंधन में हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं। क्या ये हालात अच्छे थे? क्या श्री कृष्ण के हालात अच्छे हैं? जिनके माँ बाप जेल में पड़े हों, उनके हालात कैसे हो? जन्म दिया जिस माँ ने, दूध ना पिला सकी, दूध पिलाया यशोदा ने। 6 दिन के हुए, पूतना आ गई, आंचल में जहर लगाया, कन्हैया को पिलाया, 6 दिन के बच्चे को जहर पीना पड़ा। ये हालात अच्छे थे? इन्हें आप अच्छे हालात कहेंगे? लेकिन इन सब हालातों से मेरे कन्हैया ने जन्म लेते ही लड़ना सिखाया। लड़ो, पूतना आएगी, मारो उसे। मारा पूतना को। ये कन्हैया की कथा आप लोग सुन तो लेते हो, पूतना मार दी। तुमने किस पूतना को मार? पूतना मतलब अविद्या, पूतना मतलब कोई स्त्री नहीं, पूतना मतलब अविद्या, बुरा समय, बुरा वक्त। कृष्ण के जीवन में पहला बुरा वक्त आया पूतना के रूप में। उस बुरे वक्त से प्रभु लड़े और उसे पराजित किया। आपका बुरा वक्त आता है तो वो बुरा वक्त आपको इतना परेशान करता है कि आप रिश्ते बिगाड़ लेते हो, भाई से लड़ जाते हो, पत्नी से लड़ जाते हो, परिवार से, हालात संभलते नहीं है आप। लड़ो ना, पूतना को मार दिया प्रभु ने। हैंग क्यों होते हो? मजबूत क्यों नहीं बनते? तो प्रभु ने किसे मारा?
जोर से, पूतना कौन थी? जोर से, पूतना, हाँ, अविद्या है, बुरा वक्त है। क्या है पूतना? बुरा समय। उस बुरे समय से लड़े। बुरा समय कैसे खत्म होगा? एक आदमी बोला, गुरुजी ये दुख जाता ही नहीं है, ये दुख जाता ही नहीं है। श्री कृष्ण के अभी 6 दिन की आयु, पूतना आई मारा, थोड़ा बड़े भाई शकटासुर आया 6 महीने में, दूसरा बुरा वक्त, शकटासुर आया मारा, छकड़े पे लात मारी, गिरा धम्म से। भगवान कब भागे लोगों की तरह? मारा शकटासुर को, फिर तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा कंस ने, जाओ मेरे दुश्मन को मारो। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, कितना भी बड़ा बवंडर आ जाए, लोग नहीं कहते हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। लोग कहते ना बड़ा बवंडर बनाए हैं, ये बवंडर के रूप में, ये पहाड़ के रूप में। क्या आया? दुख आया। उस दुख से भी मेरे कन्हैया ने अपने आप को और अपने परिवार को बचाया है।